हेलो फ्रेंड्स, आपका ममता जी क्रिएटिविटी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्लाउज की बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन्स आपको मैं दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पास एक सीक्वेंस वर्क का ब्लाउज होना बहुत ही जरूरी है। आप ब्लैक कलर का या कत्थे या मैरून कलर का एक सीक्वेंस ब्लाउज आप ले सकते हो, सिलवा सकते हो। आप इस टाइप की पफ स्लीव भी अपने ब्लाउज में आप बनवा सकते हो, जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आप इस टाइप की बैक में बटन्स और डोरी भी लगवा सकते हो अपने ब्लाउज में। आप बैक में ट्रायंगल शेप का नेक भी आप बनवा सकते हो, जो कि काफी अच्छा लगेगा। और आप इसमें ऊपर लटकन भी लगा, आप इस टाइप का फ्रिल वाला ब्लाउज भी बनवा सकते हो। समथिंग न्यू करने के लिए आप ब्लाउज में आप बनवा सकते हो। ब्लाउज के बैक में आप बो लगवा सकते हो और उसके साथ आप नोट भी लगवा सकते हो। ये डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आप डबल पफ स्लीव भी बनवा सकते हो, सिंगल पफ स्लीव भी बनवा सकते हो। इस टाइप की डबल पफ स्लीव भी बनवाओगे तो अच्छा लुक आएगा। इस टाइप की हाउस शेप में भी आप नेक बनवा सकते हो, डोरी लगवा सकते हो। आप ब्लाउज में इस टाइप का फ्रंट पे वो भी लगवा सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा डिजाइन लगेगा। आप बैक में इस टाइप की लटकन लगवा सकते हैं। ब्लाउज के कपड़े से ही आप ये लटकन लगवा सकते हो, ब्लाउज के कपड़े से ही लटकन बन के रेडी हो जाती है। आप ब्लाउज के बैक में इस टाइप की डबल डोरी भी लगवा सकते हो, ये डिजाइन भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आप पीछे इस टाइप की वो लगवा सकते हो और स्लीव में आप फ्रिल भी लगवा सकते हो। आप इस टाइप में पत्ती शेप में भी आप बैक का नेक आप रेडी करवा सकते हो। आप इस टाइप का एक फ्लावर प्रिंट का भी ब्लाउज सिलवा सकते हो, जो किसी भी साड़ी पे चलेगा और अच्छा लगेगा। आप इस टाइप की ट्रिपल फ्रिल वाला भी ब्लाउज बनवा सकते हो और ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फ्रिल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप इस टाइप से सिलवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर और भी ऐसे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टाइप की ब्लाउज की डिजाइंस पसंद आई, और आगे आप कमेंट में ये भी बताना कि आपको और किस टाइप की डिजाइन चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं।